जो मैं बताने वाला हूँ आपको यकीन नहीं होने वाला है, बट कहीं ना कहीं पुष्पा ने पहले इनका रिकॉर्ड बीट कर दिया स्पाइडरमैन नो वे होम का। स्पाइडरमैन नो वे होम ने इस ये फिल्म ने इंडिया में पहले दिन में 32.67 करोड़ का कलेक्शन किया था और पुष्पा ने पहले दिन में 45 करोड़ नेट कलेक्शन अक्रॉस इंडिया किया है। ये बहुत बड़ा बवाल है। साउथ मार्केट को मैं बहुत अच्छे से नहीं टैकल कर पाया हूँ, समझ नहीं पाया हूँ, और शायद इसलिए मैं फर्स्ट जगह प्रेडिक्शन मैंने जो दिया था 28-3 करोड़ का वो पूरी तरह गलत साबित हुआ है, क्योंकि 45 करोड़ नेट इट्स अ बिग कलेक्शन। मुझे लग रहा था कि ये फिल्म को स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है, ऑफकोर्स वो दे भी रही थी हिंदी सर्किट में, लेकिन ये जो फिल्म है ये डोमिनेंट रही दोनों तेलुगु स्टेट्स में और इंक्लूडिंग कर्नाटका एंड तमिल वर्जन इन तमिलनाडु, और जिस वजह से इस फिल्म का कलेक्शन बेहतर हुआ है। ये केरला में इस फिल्म को लेकर डिले हुआ, लेट हुआ, कुछ इश्यूज हुआ, और तेलंगाना में 50% ऑक्यूपेंसी रूल भी लगा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये सब लॉजिक्स को देखते हुए अगर इस फिल्म ने 45 करोड़ नेट किया है तो ये ताली बजाने वाली बात है। इट्स बिगर, इट्स बेटर कलेक्शन। और दूसरी बात क्या है, फर्स्ट डे का ये ट्रेड का अर्ली एस्टिमेट है, और दूसरी बात हिंदी सर्किट में इसने 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के रेंज में कलेक्शन किया है अर्ली एस्टिमेट्स के हिसाब से, सिर्फ हिंदी सर्किट में, हिंदी वर्जन का वो भी बताया जा रहा है, और तेलुगु वर्जन और हिंदी सर्किट में जोड़ दिया जाए तो 1.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन बताया जा रहा है। जो भी होगा बहुत जल्दी सामने आएगा, लेकिन ये बेहतर कलेक्शन है विदाउट एनी बिग प्रमोशन इन नॉर्थ इंडिया। दिस फिल्म इज एक्चुअली डूइंग ग्रेट, बट हाउ फार इट विल गो वो बहुत जल्दी हमको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल फर्स्ट डे का ट्रेड का अर्ली एस्टिमेट 45 करोड़ नेट इन इंडिया।